नरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। इस वक्त हम बैठे हैं फरहत शेख की ऑफिस में, जो कि मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष है। मुमरा में काफी एक्टिव है। टोरेंट के खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ दी है। टोरेंट के सामने अच्छे अच्छे ने घुटना टेक दिया, पर इन्होंने एक जंग छेड़ी है। आइए इनसे बात करते हैं। काफी दिनों से टोरेंट को लेकर ये काफी एक्टिव है, साइन कैंपेन करना, घर घर जाके लोगों को जागरूक कर टोरेंट के खिलाफ, ये इन्होंने एक अपना रास्ता बना लिया है। आइए इनसे बात करते हैं इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, और अभी रिसेंटली इन्होंने कंज्यूमर फोरम में भी कोई केस दर्ज किया है। पूरी जानकारी लेंगे फरहत शेख से। फरहत शेख जी, टुडेज वॉइस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी, टोरेंट जो है वो बहुत बड़ा अजाब है मुमरा के लोगों पे, मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से नहीं, हर कोई यही कहता है, क्योंकि टोरेंट एक ऐसी, यहाँ पर जो है डेली रोज कुआं खोदेंगे और रोज पानी पियेंगे, ऐसी जिंदगी लोग जीते हैं। और उसके बाद जितना आपके घर का रेंट नहीं है उतना आपको बिल आता है। आप 2,000-3,000 अगर रेंट भरते हो किसी छोटे से घर का, तो आपको 5,000 बिल भरना पड़ता है। इतना भी है, क्योंकि कितने लोगों का ऐसे कंप्लेंट आई थी हमारे पास, तो कितना लड़ा जाए हर चीजों से। तो अभी वो कहते हैं ना कि लीगल तरीका, एक ऑफिशियल तरीका वही होता है जो लड़ने का बेहतर होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कितनी बार कंप्लेंट करें, कितनी बार, अब फाइनली हम लोगों ने इरादा बना लिया है कि हम लोग जो है MERC में इसके ऊपर जो है वो कंप्लेंट दाखिल करेंगे। MERC जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक तरीके का कोर्ट होता है, जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो अपने जो शिकायत है वहाँ दर्ज कर सकते हैं। तो MERC में जो हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा पहले, एक साल पहले जाऊंगी, कि हम लोगों ने इससे पहले जो है एक जेल भरो आंदोलन किया था, पिछले 15 नवंबर पिछले साल किया था हम लोगों ने। उसका एक मकसद ये था कि जो PD की कार्रवाई बहुत जबरदस्त चल रही थी उस वक्त, और उसका इतना बेहतरीन असर हुआ था कि दूसरे दिन ही जो है वो बिल्स को अलग कर दिया गया था। PD का कार्रवाई बहुत अच्छे से हुई थी, और FIR जो है लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहे थे उस वक्त। तो वो एक बहुत सक्सेसफुल आंदोलन था हमारा, और उसके बाद से अलहमदुल्ला जो है थोड़ा थोड़ा काम जो है वो एक स्मूथली चलने लगा। लेकिन अचानक से अभी आप देख रहे होंगे कि ओवर रीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ओवर बिलिंग आ रहा है लोगों का। तो अब इसके ऊपर भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके घर में अगर एक ट्यूबलाइट है, एक फैन है, और आप सिर्फ डेली का फ्रिज चलाते हो, और आपको अगर उसका बिल आता है 4,000-4,000 रुपए, तो इतना, ये ना किसी घर में AC है ना कुछ, और इतना बिल, ये इम्पॉसिबल है। तो हम लोगों ने अभी इसके ऊपर जो है ना, ओवर रीडिंग और ओवर बिलिंग के ऊपर है, या आप जबरन जो है मीटर चेंज करते हो, या जबरन किसी भी तरीके का जो है वो जबरदस्ती करते हैं टोरेंट की तरफ से। तो हम लोगों ने जो है ये यहाँ पर कंज्यूमर ग्रीवरेंस रिड्रेसल फोरम करके एक होता है MSEDCL का, तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने जो है इसकी जो है कंप्लेंट की है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। MERC में भी, MERC जो है वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो है डिपार्टमेंट, उसका कोर्ट है, और ये जो है MSEDCL, इसमें ना ये अलग कोर्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी जल्दी, क्योंकि MERC में भी हमारा जो है वो कंप्लेंट डाला हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है मीटर जो जबरदस्ती चेंज हो रही वो टॉपिक है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है वो अभी वो अंडर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर ही स्पेशली, क्योंकि 2 महीने पहले की बात है, जो मीटर जब जबरदस्ती चेंज हो रहा था, तो मुमरा के सैकड़ों परिवारों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग से एक लीगल हेल्प लेकर उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लेटर टोरेंट के ऑफिस में डाला था, और उसके बाद से उनको किसी भी तरीके का इंटीमेशन नहीं आया, और वो लोग बहुत खुश हुए कि हमने अपना लीगल तरीका यूज करके, अपना एक लीगल हथियार यूज करके जो है टोरेंट को रोक लिया मीटर चेंज करने पर। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि हम अभी 2 दिन पहले जो है ना एक फैमिली का हमको वहां से कॉल आया है, जीवन बाग की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमको फाइनल इंटीमेशन दिया और कहा है कि आपको मीटर चेंज करना है करके। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है उसको जो है आगे और बढ़ाएंगे। तो उसका एक अगला लेवल ये था कि कंज्यूमर ग्रीवरेंस रिड्रेसल फोरम जो है, यहाँ पर जो आप जो है अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो, चाहे वो ओवर बिलिंग हो, ओवर रीडिंग हो, या जबरन मीटर चेंज हो, या किसी भी तरीके का एक कंज्यूमर को अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो प्रॉब्लम आती है आप इसके अंदर डाल सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जिसका है मैं उनके बारे में बताऊंगा, उन्होंने ये जो है लेटर हमने उनकी तरफ से उनको लिख कर दिया है, और ये लेटर में हम लोगों ने उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, और ये एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, और उसके अंदर अपनी डिटेल्स, और वो ये फॉर्म जो है वो इतना ईजी है, एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इतना ईजी बना दिया गया है कि वो खुद भी अपना फॉर्म जो है भर सकता है। और बाकायदा उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि वहां पर किसी एडवोकेट की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये सोचिए कि कंज्यूमर हेल्प कितना कंज्यूमर के लिए बहुत हेल्पफुल है वो। तो ये फॉर्म आपको भरना है, ये फॉर्म में आपका नॉर्मल से डिटेल है, आप कहाँ रहते हो, क्या है आपका कंज्यूमर नंबर, क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम है, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। रिप्रेजेंटेटिव क्यों, क्योंकि
कल को क्या होता है, हमारे घर में हमारी माँ बहनों के नाम पर जो है वो मीटर होता है, उनके नाम पर होता है, तो अब जो है वो उनकी बिहाफ में हो सकता है कोई और जाए, घर का कोई मेल पर्सन जाए या सोसाइटी का कोई बंदा जाए, फ्रेंड रिलेटिव्स कोई भी जा सकता है वहां पर, तो वहां पर आपको रिप्रेजेंटेटिव का भी नाम जो है मेंशन करना पड़ता है। तो ये हमने किया, ये जीवन बाग के जो एक कंज्यूमर है उनके लिए हमने यहाँ पर किया है। कंज्यूमर फोरम के अंदर एक आम आदमी इंडिविजुअली अपनी कंप्लेंट दर्ज कर, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा ना कि जब हमारा लीगल डिपार्टमेंट जो हमारे एडवोकेट साहब है जब इसको टाइप कर रहे थे और ये फॉर्म भर रहे थे, तब मैंने देखा कि ये इतना इजी है कि कोई भी लिख सकता है, नेम ऑफ द कंज्यूमर, फुल एड्रेस, ये सब चीजें ये आम इंसान जो है आसानी से भर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिन में यही सोच रही थी कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए, क्योंकि अगर किसी को फिर भी ना समझ में आए तो हम तो वैसे भी बैठे, हमने हमेशा से गाया गया मुस्लिम लीग, जिसका हाथ स्टार्टिंग में पकड़ती है उसको आखिर तक लेकर जाती है और हाथ पकड़ के आखिर तक पहुंचाती है उसकी मंजिल तक। तो अगर नहीं होता है तो हमें एक वीडियो जरूर इंशाल्लाह इसके ऊपर बनाऊंगी, ताकि लोगों को बहुत आसानी से जो है वो अपने कंप्लेंट खुद ही दाखिल कर सके। वो ये लगने के बाद आपको जो है कि कुछ प्रूफ लगाने पड़ते हैं, जैसे आपने अपने घर का अग्रीमेंट लगा दिया, यहाँ पर एग्रीमेंट लगा दिया, फिर आपको टोरेंट पावर की तरफ से जो नोटिस आई हुई थी ये हमने वहां पर उस पर अटैच किया है, और फिर ये जो ऑब्जेक्शन लेटर, नोटिस किस चीज की, मीटर चेंजिंग की इन लोगों ने जो सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी के नाम पर और दूसरे एक्ट का हवाला देते हुए जो उन लोगों ने एक नोटिस दिया था कि आपको चेंज करना, ये वो नोटिस है। उसके बाद ये जो है ऑब्जेक्शन लेटर है जो ये कंज्यूमर ने जो है टोरंट ऑफिस में जमा किया था, ये भी हमने इसके ऊपर लगा के दिया कि हमने ऑलरेडी जब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले चुके हैं फिर भी ये लोग जो है इसके ऊपर जबरदस्ती हमको मीटर चेंज करने के लिए कह रहे हैं, ये लोगों की साइन और उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सारी चीजें जो है उसके अंदर मेंशन की गई है। तो ये सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, ये फिलहाल राइट ना हम लोग ये कंज्यूमर फोरम में जो कंप्लेंट देनी पड़ती है इंडिविजुअली एक एक घर की देनी होती है, पूरी बिल्डिंग के एक साथ में दे सकते वहां पर, ऐसे इंडिविजुअली भी है वहां पर, लेकिन सोसाइटी का भी, क्योंकि जाता अभी तक देखे हम लोगों ने इंडिविजुअली की है, सोसाइटी का अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए तो मैंने कहा ना कि एक मैं वो बनाऊंगी एक वीडियो जहाँ पर इंडिविजुअल लोग जो है अपने अपने घरों का जो है वो कंप्लेंट, आपने ये तो कर दिया, रेडी कर दिया, सबमिट करने आप कब जाएंगे? नहीं, ये ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन हम लोगों ने सबमिट कर चुके हैं 3 तारीख को, ये ऑनलाइन। फर्स्ट डेट कब है अभी इसकी? फर्स्ट ये हम लोग को मैसेज आता है, इसके ऊपर मैसेज आएगा, तो मैसेज के ऊपर पता चलता है कि इसके मेरे ख्याल से हफ्ते भर में इसका आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्ट है ये थोड़ा जल्दी जल्दी जो है वो लेता है, स्टेप्स लेता है इसलिए। मतलब ये मुमरा वालों की तरफ से आप अकेले उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुमरा मैं अभी जो अगला जो वीडियो बनाने वाली उसके अंदर बाकायदा मैं लोगों को बताऊंगी कि मैं पूरे मुमरा के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ, और बाकी ऑलरेडी जबकि मैं जीवन बाग के लोगों को कर रही, पीछे कल जुबेदा पार्क जो है शिमला पार्क में वहां से मुझे कॉल आया था, मैं उन लोगों को भी मैंने ये पूरा गाइडेंस दिया है कि कैसे करना है क्या करना है। तो मैं जब इतने लोगों को, मुमरा तो मेरा शहर है, मैं तो मुमरा की बेटी कहती हूँ अपने आप को, तो मैं क्यों अपने लोगों को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर, मैंने उनको कह दिया है और मैंने बाकायदा लोगों को बोल दिया है कि रिप्रेजेंट इंशाल्लाह हम करेंगे, लीगल टीम हमारी पूरी तरीके से तैयार है, और वो हर कभी भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं हुआ आपको नहीं आता है फिल करने के लिए, तो हम लोग आपके साथ बैठे हैं इंशाल्लाह। हम बात कर रहे थे फरहत शेख के साथ में, इन्होंने टोरेंट के खिलाफ एक जंग छेड़ी है और इन्होंने कंज्यूमर फोरम में एक केस दर्ज किया है जिसमें मुमरा वालों की तरफ से ये खुद रिप्रेजेंट करेंगे। आगे भी इस मुद्दे को लेकर हम बहुत सारे क्लेरिफिकेशन देंगे, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनके खिलाफ फरहत शेख लड़ रही है, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनको उजागर ये हमारे चैनल के थ्रू फ्यूचर में करेंगी इंशाल्लाह। आगे हम आपको और क्लेरिफिकेशन देंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहे टुडेज़ वॉइस।